किस चीज़ का सर बैठक यहाँ पर चल रहा है? हाँ जी, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट का रिसर्च काउंसिल है उसकी बैठक है। राजभवन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो मंशा है शोध के विषय में, महामहिम की जो इच्छा है कि गुणवत्तापूर्ण शोध हो, इसको प्राथमिकता दी गई है। उसके साथ साथ जो बातें मार्गदर्शन में नहीं भी लिखी हुई है, एक रूपता की दृष्टि से रिसर्च काउंसिल ने विचार किया है, और खास करके देवनागरी के ऊपर चर्चा हुई है कि देवनागरी में जो शोध प्रबंध लिखे जाते हैं जिसमें देवनागरी का फॉन्ट इस्तेमाल होता है, उसमें कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल हो। तो पूरी दुनिया में इस समय यूनिकोड का, देवनागरी का फॉन्ट इस्तेमाल होता है, उस पर सहमति बनी कि यूनिकोड का फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। शेप एंड साइज क्या होगा उसकी भी चर्चा की गई है, और एक मार्गदर्शक के अधीन कितने शोध छात्र कार्य कर सकते हैं उसको सख्ती से पालन करने के लिए चर्चा हुई है। दिशा निर्देश के मुताबिक ही शोध प्रबंध का रजिस्ट्रेशन हो और उसका समर्पण हो, सेवा अवधि का विस्तार यदि नियमानुकूल है तो करें या न करें, इन बातों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आज पास करने का निर्णय लिया गया। कहाँ कहाँ से आए हैं? हमारे तो पूरा बिहार क्षेत्र है, तो बिहार भर के जो हमारे विशेषज्ञ हैं अपने प्रोफेसर्स, वे तो हैं ही, बाह्य विशेषज्ञ के रूप में उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, त्रिपुरा से, उड़ीसा से, विभिन्न स्टेट से हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं ताकि यह सुविधा हो कि कहीं भी रिसर्च का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है। तो एक तो हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जितना पता चल पाता है करते ही हैं, लेकिन विद्वानों के माध्यम से भी परंपरा से पता चलता है कि वहाँ ये काम हो गए, वहाँ ये काम हो गए, तो बाहर के जो विशेषज्ञ है उनसे इसमें सुविधा होती है। इस दृष्टि से भी बाहर के विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया। रजिस्ट्रेशन जो होगा रिसर्च स्कॉलर को, रिसर्च स्कॉलर की पढ़ाई तो एडमिशन के दिन से शुरू है, उनका जो टॉपिक रजिस्टर्ड होगा वो डिपार्टमेंटल रिसर्च काउंसिल ने पास कर दिया, इसका अर्थ कि शैक्षिक दृष्टि से वह ठीक है। टेक्निकली यह कमेटी भी देख रही है, जो काउंसिल है अभी यह भी देख रही है, तो इसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एडमिशन तो ऑलरेडी है, वो पढ़ रहे हैं। सर, ये वेबसाइट और एप्लीकेशन का भी कुछ भूमिका है इसमें? वेबसाइट अपडेशन की बात हो रही है कि हम स्पष्टता की दृष्टि से हमारे जितने सुपरवाइजर्स हैं उनके अधीन जो काम करने वाले स्कॉलर्स हैं उनके जो टॉपिक्स हैं उनको वेबसाइट पर रखेंगे, और जो हमारे पुराने कार्य हैं उनको भी वेबसाइट पर देना चाहते हैं ताकि दुनिया के लोग जब रिसर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इन इन विषयों पर वहाँ काम हो चुका है और इन इन विषयों पर काम हो रहा है। तो क्या नया वेबसाइट बनेगा या पहले जो है? नहीं, पुराना जो वेबसाइट है उसी को हम लोग और अभी मॉडिफाई कर रहे हैं। धन्यवाद। इसलिए बहुत गंभीरतापूर्वक इसको देखना है, युग बदल रहा है। अभी महामहिम का भी एक स्टेटमेंट आया है और आदेश भी है कि रिसर्च की क्वालिटी को बिल्कुल बरकरार रखना है, नियम का पूर्णतः पालन करना है। हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि कहीं किसी स्तर पर शिथिलता है पूर्व से तो उसको भी हम लोग शुद्ध कर लेंगे और परिशुद्ध स्थिति अपनी रखेंगे, और यदि कोई इसमें जिज्ञासा करना चाहें तो वो हम बताएं। दूसरा, अभी जो एक्सटेंशन वाली बात कही है उसको भी देख लें आप, एंडलेस एक्सटेंशन का प्रोविजन नहीं होता है। जो गाइडलाइंस है इसमें जो एक्सटेंशन का प्रोविजन है कि कितने वर्षों का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। दूसरा है कि उस शीर्षक की भूमिका, इंट्रोडक्शन, कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है उस विषय की, और उस पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए तब तीसरे बिंदु पर आप आवे कि इस शोध का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। चौथे में आप आवे उस उद्देश्य को स्पष्ट करने के बाद कि हमारे शोध का यह उद्देश्य है, और उसी में उसके रेलिवेंस को, प्रासंगिकता को, कि यह बौद्धिक रूप से कितना प्रासंगिक है और सामाजिक दृष्टि से कितना उपादेय है या समाज को क्या योगदान कर रहा है। लेकिन जो सुपरवाइजर्स हैं
सुपरवाइजर्स को समझना जरूरी है। हम लोग सभी कॉलेजेज में जो जहां सुपरवाइजर्स होते हैं या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, अलग से इस बात का सर्कुलर भी भेजेंगे, फॉन्ट के विषय में भी, पेज सेटिंग के विषय में भी, उसके फॉन्ट साइज के विषय में भी पूरा डिटेल लिखेंगे। अभी ये इसका जब मिनट्स जाएगा तो उसमें वह लिखा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात कही है। और यदि आप लोगों में से कहीं सुविधा असुविधा कुछ लग रही है अभी कि शोध की दृष्टि से यह असुविधा है और विश्वविद्यालय उसका निराकरण कर सकता है, तो आप बताएंगे, हम लोग करेंगे। अलग अलग विषय के सभी विभागाध्यक्ष, अलग अलग एक्सपर्ट आए हुए हैं, उसके अलग अलग माननीय सदस्य हैं, और सभी विषयों पर विचार विमर्श होगा। एक एक विषय पर विचार किया जाएगा, और जो छात्र जिनका विषय PhD के लायक होगा उनका विषय प्रस्तुत करके पास किया जाएगा। इसके बाद ये लोग रजिस्ट्रेशन करा के अर्हता प्राप्त करेंगे शोध के लिए। कहाँ कहाँ से आए हैं इसमें? पुरी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कई विश्वविद्यालय प्रदेश से बाहर, कम से कम 15 लोग प्रदेश के बाहर के हैं जो एक्सपर्ट के रूप में यहाँ अलग अलग विषयों में आए हुए हैं, ज्योतिष में, धर्मशास्त्र में, वेद में, व्याकरण में, दर्शन में, इसमें अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, और ये विषय पर विचार करेंगे और उस विषय को शोध प्रयुक्त है या नहीं है ये तय करके ये पास करेंगे और वो शोध करने के लिए छात्रों को प्रेरित करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सत्यवान कुमार, स्नातकोत्तर वेद विभाग, क्रीड़ा पदाधिकारी, यहाँ सदस्य हूँ मैं शोध परिषद।